नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दक्षिण के दुर्ग में क्या मोदी शाह का जादू चलेगा या फिर सिद्धारमैया किसी तरह से कर्नाटक में बचा पाएंगे अपनी सरकार? क्या होगा देवेगौड़ा का, कुमारस्वामी का अस्तित्व की किसके लिए है ये लड़ाई और क्या होगा संदेश कर्नाटक का? क्योंकि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में बहुत कुछ है दांव पर और आज तक लेकर आया है देश का सबसे बड़ा और विश्वसनीय ओपिनियन पोल, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे अगले एक घंटे में कि किसकी बन सकती है कर्नाटक में सरकार, कौन कितनी सीटें लाएगा, कौन सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, लिंगायत पर जो दांव कांग्रेस ने चला है क्या होगा इसका फायदा उनको, भ्रष्टाचार पर क्या सोचती है कर्नाटक की जनता, टीपू सुल्तान भी क्यों हमेशा बनता है मुद्दा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले आपको बता दें ये सर्वे हमने कैसे किया है। इंडिया टुडे कावी इनसाइट का ये सर्वे है। सैंपल में 27,919 और विधानसभा की सीटें हैं कुल 224। 17 मार्च 2018 से लेकर 5 अप्रैल 2018 के बीच में हमने ये सर्वे किया है। सर्वे का वक्त इसे बताना जरूरी है क्योंकि हर दिन नए नए मोड़ आते हैं, नए नए बदलाव आते हैं और लोगों को इंतजार है कि मोदी के वहां पर पहुंचकर रैली करने के बाद क्या बदलाव होगा। तो कांग्रेस पार्टी भी आस लगाए बैठी है राहुल गांधी पर। तो ये है तस्वीर इस सर्वे की और ये है उसकी मेथोडोलॉजी। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं क्योंकि आपको अभी 30 सेकंड एक मिनट और इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी और कितनी आएंगी कांग्रेस की, जेडीएस की। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय जीवीएल नरसिम्हा राव से, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश अली साहब जेडीएस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान आलोक मेहता जी और संजय कुमार जी मौजूद हैं, जो हमें सर्वे और कैसे इसका हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि क्या होने वाला है। संकेत मत पढ़िएगा, रिजल्ट का इंतजार कीजिए क्योंकि किंग अगर महत्वपूर्ण है तो इस ओपिनियन पोल के मुताबिक किंग मेकर भी बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। कौन बनेगा किंग, कौन बनेगा किंग मेकर, ये जानने के लिए आइए सबसे पहले करते हैं सर्वे के नतीजों का रुख। और इसीलिए सबसे पहले जिस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है वो है वोट परसेंटेज। आइए दिखा देते हैं किसको कितना वोट प्रतिशत मिलता दिख रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो सबसे आगे इस रेस में है कांग्रेस पार्टी 37% वोटों के साथ। 35% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर और 19% पर है जेडीएस, जहां आप कुमारस्वामी एचडी कुमारस्वामी की तस्वीर देख रहे हैं। तो 37% के साथ कांग्रेस सबसे आगे है लेकिन 35% के साथ बीजेपी काफी करीब है, सिर्फ 2% का फासला है। लेकिन इससे सीटों का अनुमान मत लगाइए क्योंकि अब अगले कदम पर आपको हम सीट ही बताने वाले हैं। 37 और 35 यानी सिर्फ 2% का फासला है। जेडीएस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कर्नाटक में। ये देखिए सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। 90 से 101 आती हुई कांग्रेस पार्टी के लिए, 78 से 86 नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए और 34 से 43 के बीच में जेडीएस। 40 पिछला बार था इनका और वहीं पर लगभग बीजेपी के लिए फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस के नजर से देखिए तो 90 से 101 यानी नहीं बन रही है कांग्रेस की सरकार। इसका अर्थ यह है कि हम त्रिशंकु विधानसभा के संकेत देख रहे हैं इस ओपिनियन पोल में। हम संकेत ये देख रहे हैं कि इंडिया टुडे कावि का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी की अपने आप में सरकार नहीं बनेगी। जो पिछली बार 122 के आंकड़े तक पहुंचे थे वो 90 से 101 में सिमटते हुए 224 सीटें हैं, तो 112 का जादुई आंकड़ा है, उससे लगभग 12 पीछे रहते हुए अगर हम अपर एंड भी लेते हैं तो। अब बीजेपी को 78 से 86 सीटों का अनुमान है यानी इनको पड़ेगी किंग मेकर की जरूरत और ऐसे में जेडीएस बन सकती है किंग मेकर। ये संदेश भी साफ है, शायद इससे ज्यादा वो अपना रोल देख भी नहीं रहे हैं और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इसमें क्या देखते हैं। सबसे पहले मैं जीवीएल नरसिम्हा राव आपके पास जाना चाहती हूँ क्योंकि अमित शाह और मोदी की जोड़ी और जितनी कामयाबी से आप देश को चुनाव मोड में हमेशा रखते हैं उसी तरह से आप कर्नाटक में भी अब जुट गए हैं लेकिन सत्ता रह गई लगता है ना। अंजना जी, मैं पार्टी के प्रवक्ता बनने के पहले यही काम करता था। 2008 में मेरा ही अकेला एक सर्वे था जो बिल्कुल सटीक निकला। 110 का मेरा अनुमान था, 110 11 का 110 मिले थे। तब भी
हमें कांग्रेस से 2% वोट कम मिला था, फिर भी हमें 110 सीट मिले और कांग्रेस को केवल 80 सीट मिले, क्योंकि जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कर्नाटक जैसा राज्य में, सेम प्रतिशत वोट मिलने पे हमें 50-60 सीट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो आपका प्रोजेक्शन है वोट प्रोजेक्शन, वो सीटों की प्रोजेक्शन से मेल नहीं खा रहा। तो इसी वोट प्रतिशत में भी मैं देखता हूं तो हमारा 110 रहेगा, कांग्रेस 80 से नीचे रहेगी। यही ये कर्नाटक में यही स्थिति है। अब संजय जी से भी पूछ लीजिए। नहीं ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी, वो मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन ये तो हमें उम्मीद रहती ही है और हम मान के ही चलते हैं कि अगर पक्ष में नहीं आएगा तो सर्वे खारिज कर दिया जाएगा। मैं तो यही ओपिनियन पोल जब पक्ष में आता है, मैं तो आपको साइंटिफिक कारण बता रहा हूँ, लेकिन पोलिटिकल जो जवाब आप चाहते हैं मुझे, हम कम से कम 140 सीट जीतेंगे। 140 क्या ऐसा जादू छड़ी है आपके पास? क्योंकि लोग तरस आ गए हैं सरकार से, काम नहीं किया है उन्होंने 5 साल, केवल अभी बहाना बनाकर कुछ पॉलिटिकल स्टंट के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग इस प्रकार की जो वोट बैंक राजनीति जो उन्होंने किया है उससे मुक्ति चाहते हैं, लोग मोदी जी के ब्रांड वाले विकास को चाहते हैं। आपके लिंगायत वाले घाव को हमने महसूस कर लिया है, आएंगे उस मुद्दे पर, लेकिन डॉक्टर नासिर जवाब दीजिए, 90 से 101 पर सिमट जाना ये बता रहा है कि आपके हाथ से सत्ता निकल रही है। देखिए अभी तक ये आपका जो सर्वे मिला कि अब तक 6 या 7 सर्वे कर्नाटक में पिछले 6 महीने से लगातार आए हैं और सारे के सारे सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ रही है, कांग्रेस दोबारा अपने दम पे जो सरकार बना रही है सारे रिपोर्ट्स के हिसाब से। आपके हिसाब से कुछ 8-10 सीट झुका, 8-10 सीट आप लोग कम दिखा रहे हैं इसमें, तो ठीक है, मैं इस बहस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली ये मानता हूं हमेशा कि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि लोग आपसे तंग आ गए हैं, इस पर जवाब दीजिए। मेरी बात पहले सुनिए ना, बाद में पहले मेरी बात सुनिए, बाद में नरसिम्हा राव साहब को जवाब दूंगा मैं, पहले मेरी बात सुनिए। तो उसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें रहते हैं जिसकी वजह से लोग वोट देते हैं। अभी जो आपका सर्वे हुआ है, इस सर्वे में सिर्फ जो है सरकार का कामकाज जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, अब पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस आप उनको बनाए थे, क्या क्वेश्चंस उनको पोस किए थे जिसकी वजह से ये आया। अगर मैं मान भी लूं कि ये स्थिति है, तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जो वो सर्वे एग्जैक्ट होता है जो कैंडिडेट्स तीनों पार्टीज के कैंडिडेट्स अनाउंस होने के बाद में, हमको लगता है अगले 2-4-5 दिन के बाद सारे पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर देंगे और पूरी तरह से कैंपेन भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो सर्वे आएगा उसमें लगता है कि एक रुझान देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अब तक सर्वे आए सारे सर्वे जो है कांग्रेस को आगे दिखाए, इसका मतलब जो है कांग्रेस काम की है, इसका मतलब कांग्रेस काम की है, इसका मतलब कांग्रेस की सरकार को लोगों ने जो है माना है, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया के सारे पॉलिसी लोगों को माना है, इसीलिए आपके सारे सर्वेस में कांग्रेस आगे दिखाई देती जा रही है। और जहां तक जीवीएल साहब के जवाब देने की बात है, ये पहली बार नहीं, मुझे लगता है कि ऑलरेडी 5-6 अलग अलग डिबेट्स में हम लोग साथ में रह चुके हैं, इन लोगों का ब्लैंकेट एक्यूजेशन होता है करप्शन है। करप्शन कहां है? मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा कि करप्शन क्या वैपम स्कैम कर्नाटक में हुआ था? क्या जीएसपीसी स्कैम कर्नाटक में हुआ था? क्या पीडीएस स्कैम कर्नाटक में हुआ था? क्या ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे लोग कर्नाटक से भागे थे? तो ये सारा चीज जो करप्शन की बात में, एक स्कैंडल एक स्कैम कर्नाटक में दिखा दे, फिर मैं मान लू कि करप्शन वहां पे है। जितना सोशल सिक्योरिटी नेट इस सरकार ने क्रिएट किया, शायद हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट में इस तरीके का सोशल सिक्योरिटी नेट का टाइम मिलना चाहिए टीवी पर। दानिश अली जी किधर जाइएगा, जो आगे है उसके साथ या जो पीछे है? देखिए सबसे पहले तो हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन ये रही है कि हम इन ओपिनियन पोल्स में बिलीव नहीं करते, और उसकी वजह है जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जो छोटी पार्टीज होती हैं, ओपिनियन पोल्स हमेशा उनको जो है दिखाते ही नहीं मैदान में। मुझे याद है कि पिछले इलेक्शन के सर्वे में जेडीएस को सिर्फ 13 सीट दिखाई थी, 13 सीट, और जब रिजल्ट आया तो 40 सीट थी। और यही वजह थी जब इंडिया शाइनिंग कैंपेन चल रहा था 2004 में, तो हमने
कैंपेन किया कि ओपिनियन पोल्स बैन होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती इस बात की कि कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में आ जाती है, जो व्यक्ति हमारे साथ उस डेलीगेशन में चुनाव आयोग गए थे कि ओपिनियन पोल्स बैन करिए, ठीक है, ओपिनियन पोल पे बहस नहीं करेंगे सर, तो लॉ मिनिस्टर बनने के बाद, कानून मंत्री बनने के बाद जो है ओपिनियन पोल बैन नहीं किया, खाली एग्जिट पोल बैन किया फेजेस में। चले ठीक है, ओपिनियन पोल पर अलग से बहस कर लेंगे, जरा कर्नाटक पे करते हैं। कर्नाटक में जेडीएस में एस संघ के लिए है, राहुल गांधी ने कहा, किसके तरफ जाइएगा बताइए, टीम किसको बनाइए? देखिए राहुल जी अभी नए नए कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, उनको थोड़ी मैच्योरिटी लानी चाहिए, उनको जो लोकल लीडर स्लिप देते हैं लिख करके, वो स्लिप नहीं पढ़नी चाहिए, मेरा उनको ये एडवाइस है। जहां तक जनता दल सेकुलर का सवाल है, जनता दल सेकुलर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ कर्नाटक में लड़ रहा है, और हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते रहे। आज भी केसीआर जो है, जब आप हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, आज भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जाकर के देवेगौड़ा जी से और कुमार स्वामी से मिले हैं। हम इस देश में एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठा करके देश में एक विकल्प देना चाहते हैं। 2019 की रेस में आगे बढ़ रहे संजय कुमार जी, ये क्या कह रहा है, ये ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, आज का जो ओपिनियन पोल है? देखिए ओपिनियन पोल बहुत साफ दिखा रहा है कि वोट के अनुमान से तो कांग्रेस सबसे आगे है, सीटों में भी आगे दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोनों का अंतर जो है, फासला सिर्फ 2% का है। और अगर यही ये आज का आंकलन है, मेरा खुद का अनुमान है, अगर ये आज का आंकलन सही है और बहुत सटीक है, चुनाव आते आते तक बीजेपी कांग्रेस के आगे निकल जाएगी वोटों के प्रतिशत में। और जैसा जीवीएल कह रहे थे, अगर वोट बीजेपी के ज्यादा हुए, वो जो बात करें तो वोट डिस्ट्रीब्यूशन का, कोस्टल इलाका है जहां बीजेपी के वोट कंसंट्रेटेड है, जो 5-6 रीजन्स हैं, बीजेपी के वोट्स ज्यादा 2-3 रीजन्स में कंसंट्रेटेड है, कम वोट लेके भी वो ज्यादा सीटें लाते हैं, पहले भी हुआ है और आज भी ये होने की गुंजाइश है। आलोक जी, 14% फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और माना जाता है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी 28 में से, वो मोदी के तरफ जा सकते हैं, क्या मोदी का जादू चलेगा एंड की रैलीज में? देखिए मुझे लगता है कर्नाटक में स्थानीय मुद्दे और ज्यादा प्रमुख रहेंगे, इसको हम लोकसभा से और केवल मोदी जी की प्रतिष्ठा से जोड़ना, गुजरात में तो ठीक लगता था कि उन्हीं की प्रतिष्ठा है, लेकिन यहां मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने येदुरप्पा जी का साथ नहीं छोड़ा, माने उनको जाने नहीं दिया, अपने पास जोड़े रखा, तो लिंगायत वोट को अपने साथ रख करके। दूसरी बात मैं कहूंगा, इस आपके सर्वे को देख करके, रामकृष्ण हेगड़े और देवराज अर्ष की बात, कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री वहां वैसे बनना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उस तरह के नेताओं को हम लोगों ने जो देखा है, आज सीतारामैया जी ये सोचे कि उनके बल पर फिर से आएंगे, ये ठीक है, जेडीएस का वो कितना कम कर पाते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी वोट और वो जनता दल से आए हैं, वो कांग्रेसी तो है ही नहीं, इसलिए किंग की बात ये कही है, जनता दल से आए हुए कांग्रेस के लोग भी आज भी उनको पूरी तरह, और वो कांग्रेसियों को कांग्रेसी कहते हैं, ये भी याद रखिए, और सीनियर नेताओं ने ये बात हमेशा कहते रहे, इसलिए ये एक मौका होगा जब वो ये साबित करें कि वो जनता दल एस का वोट अपने साथ ला सकते हैं, और उसके बाद उसके बल पर वो जो आपका सर्वे उससे कहीं आगे सीटें जा सकते हैं, अन्यथा कांग्रेस भी वहां डिवाइडेड है, राहुल गांधी उस भाषा में कन्नड़ में उस तरह से कैसे चिकमंगलूर में जैसे सुषमा स्वराज ने किया था, क्या राहुल गांधी उस तरह से, जबकि मोदी जी तो कई बार ट्राई करते रहते हैं उस तरह की बात, क्या राहुल भी उसी तरह के फार्मूले लेकर के युवाओं को आकर्षित कर सकेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न होगा आपके इस सर्वे के साथ। ठीक है, अब बात जरा चेहरों की करते हैं, वही चेहरे जिनका नाम तो आप सुन रहे हैं, लेकिन हमने जब ये सवाल लोगों से सर्वे में पूछा कि आखिर उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण है संकेत देने के लिए कि लोगों का रुझान और झुकाव किस तरफ है। जी हाँ, जब हमने ये सवाल लोगों से पूछा कि उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए किसको कितने वोट मिले हैं, ये हम आपको दिखाते हैं वोट परसेंटेज के मुताबिक किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो सिद्धारमैया, बीएस येदुरप्पा और एचडी कुमारस्वामी, ये तीन नाम थे सबसे आगे 33% वोट के साथ, सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री की पहली पसंद है 26% वोटों के साथ, बीएस येदुरप्पा दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर 21% वोटों के साथ है एचडी कुमारस्वामी। तो जीवीएल नरसिम्हा राव साहब 33% के साथ, चाहे आप कितना भ्रष्ट बोलिए, कुछ भी कहिए, सिद्धारमैया ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री का चेहरा दिख रहे हैं। देखिए जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत आपने जो अभी अभी दिखाया, और सिद्धारमैया की जो पॉपुलैरिटी या उनके पर उनके पसंद का जो रेटिंग दिखा रहे हैं, तो मतलब सिद्धारमैया कांग्रेस को और नीचे धकेल रहे हैं।
मतलब कांग्रेस की संख्या जितना है उतना संख्या भी उनका नहीं है। फिर आपके अंदर तो इसलिए, बोल नहीं, रहा है। वह राहुल गांधी मतलब ना सिद्धरामैया कांग्रेस तो देखिए 33 को 37 से कंपेयर करना है। हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे अच्छे बैट्समैन हमारे पास है, कांग्रेस के राहुल गांधी नीचे गिराने वाले हैं, तो कांग्रेस नीचे गिराने वाले हैं तो मोदी जी को इसमें जोड़िए, इसका तो हम बाजी मार लेंगे। मतलब तो ये हुआ बाजी मारे बेस्ट कुमार स्वामी है, क्योंकि पार्टी से भी ज्यादा इंडिविजुअल रेटिंग कुमार स्वामी की है, फिर भी बहुत पीछे कुमार स्वामी की। तो ये अपने आप में कंट्रडिक्शन है, ये सर्वे जो है कुमार स्वामी को वोट लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं लेकिन पार्टी को और सीटें उनमें आप कम दिखा रहे हैं। अब देखिए अपने आप में कंट्रडिक्शन है सर्वे, एडी प्लस मोदी ये आपको 50 के ऊपर जाएगा। क्या 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 येडियुरप्पा जी येडियुरप्पा जी और मोदी जी दोनों को जो जोड़ेंगे तो भी कांग्रेस को सफा करेंगे। इस आंकड़े को कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि सिद्धरमैया सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है जिससे जो कि कांग्रेस के वोट को पुल कर रही है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। 33% जो पॉपुलैरिटी अगर आप दूसरे राज्यों में दूसरे जो पार्टीज के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी अगर पॉपुलैरिटी से देखेंगे तो बहुत कम है, बहुत कम है। 33% बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं है किसी भी राज्य में। अगर आप सर्वे करें एंटी इनकम्बेंसी भी किसी भी राज्य में आप सर्वे करें तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर। एक सवाल आपसे पूछू, ईमानदार जवाब दीजिए। मैं तो ईमानदार, अगर नतीजे उल्टे आते हैं तो क्या ये मोदी की हार कहलाएगी तब? नहीं, ये देखिए हम हर सारे जीत को और सारे हार को, हम कांग्रेस की तरह नहीं है, हम केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व दोनों स्वीकार करते हैं, हमारा भी कहीं कमी रहेगी। तो मोदी जिता रहे थे, ऐसे होने वक्त कोई संभावना ही नहीं है। आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वक्त बहुत कीमती वक्त है, ये तो यहाँ बड़ी जीत होने जा रही है तो आप समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं। ओपिनियन पोल का सर्वे का ये हिस्सा आपको पसंद आ रहा होगा, 33% के साथ सबसे आगे सिद्धरमैया। नहीं देखिए, अब ये कितना परसेंट आगे कितना परसेंट पीछे मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि जो है 40 साल या 44 साल के बाद में एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो तीनों पार्टियों को मिला के, जितने पार्टी डिबेट कर रहे हैं तीनों पार्टियों को मिला के, एक ऐसा शख्स है जो पहली बार फुल टर्म यानी कि 5 साल कंप्लीट किया है पूरी तरह से, और मेरे ख्याल से वही देवराज के बाद में 5 साल कंप्लीट किया है, और बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट विथ लॉट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है गरीबों के लिए, हर जात के गरीबों के लिए उन्होंने दिया है। वो रूरल एरिया, खासकर रूरल एरिया में इतना वो पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है। अभी जो बहुत सारे रैली है इसमें मैं खुद अकंपनी किया था, जिस तरह की पॉपुलरिटी उनकी है, आई थिंक उनके पॉपुलरिटी के ऊपर भी जो है ना हम इलेक्शन काफी आगे निकाल के ले जाएंगे। अब ये हम लोग को जो है कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव जो है हमेशा स्टेट में लड़ा जाता है। आपसे सर आलोक जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी आरएसएस का नेटवर्क मैं वर्षों से लगभग 3 दशक कहना चाहिए बल्कि उस हिसाब से पहले से देखता रहा हूँ, उन्होंने जो नीचे का नेटवर्क वर्कर तैयार करके रखा हुआ है, कहीं इवन कोस्टल बेल्ट में भी आरएसएस का जो प्रभाव है उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास वर्कर, देखिए गुजरात के भी किनारे किनारे पर यदि कहीं जीत हुई है तो वो जो बूथ लेवल का काम है, क्या कांग्रेस के पास आज वो ताकत है जो देवराज अर्स के समय में था, जो देवराज अर्स को तो इंदिरा गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष बनवा दिया था। ऐसी स्थिति में आज गुंडू राव जैसा नेता आपके पास है, कांग्रेस की विडंबना यह है कि वर्कर नीचे, ये सीतारमैया ठीक है उन्होंने दलितों के लिए काम किया 3,000 करोड़ ज्यादा बजट किया, लेकिन क्या वर्कर नीचे है उतना लीज आउट कर दिया था, क्या मैं बात कर सकता हूँ? जी जी जल्दी से जवाब दीजिए सर, ब्रेक पर जाना है। देखिए गुजरात और कर्नाटक के कंपैरिजन में ये कहूंगा, ये गुजरात में सारे लोगों को, आप लोगों को पता है, हम लोग को पता है, बहुत सालों तक हम लोग सरकार में नहीं थे, वहां पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा जो था, संगठन का ढांचा जो था वो काफी वीक था, मैं इस बात को मानता हूँ। अगर वहां थोड़ा भी मजबूत रहा होता तो हम लोग उस वहां पे हम लोग सरकार बना लेते, वो एक वीकनेस की वजह से कुछ सीटों से हम पीछे रह गए, लेकिन कर्नाटका में हमेशा कांग्रेस एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है, और जिस तरह का काम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ले जाके प्रचार हुआ है, मने मने टू कांग्रेस और इस तरह से अलग अलग स्लोगन देखे, जो ऑलरेडी जो आलम 4 राउंड 5 राउंड जो अपने लोग जो घर घर पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि उस कमी यहाँ कर्नाटक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज ही नहीं हमेशा से कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा ये सभी
भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कर्नाटक में। चलिए एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपको वो मुद्दे भी दिखाएंगे जिसका जिक्र हो रहा था, कर्नाटक में कैसे लिंगायत का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा या फिर टीपू सुल्तान का मुद्दा, लोग उस पर क्या राय फिलहाल रखते हैं, जो सर्वे हमने किया है उसके मुताबिक। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ओपिनियन पोल के मुताबिक नहीं बन रही है किसी की स्पष्ट सरकार, त्रिशंकु विधानसभा के संकेत, लेकिन जेडीएस बन सकती है किंग मेकर। देखते रहिए आज तक। कर्नाटक का किंग कौन, लेकिन जब जब किंग कोई स्पष्ट बहुमत से नहीं बनता है, किंग मेकर बन जाता है उतना ही महत्वपूर्ण, और हमारा ओपिनियन पोल भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी को 35% वोट, कांग्रेस को 37, 19 जेडीएस को और अन्य को 9% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सीट का रुख करते हैं, किसको कितनी सीटें, 78 से 86 बीजेपी, 90 से 101 के बीच में कांग्रेस पार्टी और जेडीएस को मिल रही है 34 से 43 सीटें, अन्य को जाती हुई 4 से 7। तो ये है सीट परसेंटेज, और इसी के साथ हमने आपको दिखा दिया है वोट परसेंटेज और सीट, जिसके जरिए समझ में आ रहा है कि ये जो विधानसभा का रेप्लिका हमने बनाया है क्या हो सकता है यहाँ पर। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक त्रिशंकु यानी किसी की साफ सरकार नहीं बन रही है, जेडीएस बन सकती है किंग मेकर, लेकिन इन सब के बीच जैसा हमने आपको कहा था अब बात मुद्दों की होगी, और मुद्दों में अगर आपको याद हो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खेला एक दांव, और दांव ये कि जो पारंपरिक रूप से लिंगायत हमेशा बीजेपी को वोट डालते हैं उन्हें एक अलग धर्म घोषित करके एक दांव खेला उन्हें अपनी तरफ करने के लिए। लिंगायत को अलग धर्म बनाना अहम चुनावी मुद्दा है, जब यह सवाल ओपिनियन पोल में पूछा गया तो 52% लोगों ने कहा हां, नहीं कहने वाले थे 28%। ये चुनाव के मद्देनजर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर भी हमने उनसे सवाल पूछा, ये लिंगायत का आप मुद्दा देख रहे हैं जिसको 52% कह रहे थे कि हां अलग धर्म बनाना चुनावी मुद्दा बनेगा। जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 साल के कामकाज पर उनसे सवाल पूछा कि क्या आप उनके कामकाज से संतुष्ट हैं, तो अच्छा कहने वाले 51% थे और 30% औसत, और इसीलिए मोदी जी को आप मुस्कुराते हुए हंसते हुए देख रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि 4 साल के कामकाज पर उन्हें कर्नाटक के इस ओपिनियन पोल में कम से कम टिक मार्क मिल गया है, अच्छा और बहुत अच्छा शामिल है इस अच्छा में 51% लोग हैं, और औसत मानने वाले 30%, 17% खराब मानने वाले भी हैं। तो ये पहली खुशखबरी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब यहां पर कम से कम एक टिक मार्क मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की क्या फिर से एक बार सरकार बननी चाहिए, यह भी एक सीधा सवाल हमने लोगों से पूछा था इस ओपिनियन पोल में, तो कांग्रेस को क्या फिर से मौका मिलना चाहिए, इस सवाल पर हां कहने वाले 45% थे। ये देखिए ये लगभग रिफ्लेक्ट हो रहा है जो वोट शेयर और सीट परसेंटेज में है, 45% कह रहे थे कि हां फिर से मौका मिलना चाहिए, जबकि इससे 7% पीछे 38% लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए एक एक करके तमाम सवाल हम आपको दिखाते रहते हैं, उसका जिक्र भी मैं करती रहूंगी, और अब लिंगायत के मुद्दे पर आकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक और सवाल जो हमने उनसे पूछा था कि मंदिर दौरे से राहुल बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को क्या फेल कर पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे, हां कहने वाले 42% थे, और इसीलिए राहुल गांधी आपको इस अंदाज में दिख रहे हैं, जबकि नहीं कहने वाले 35% लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मंदिर का एजेंडा फेल कर देंगे राहुल गांधी और जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, लिंगायत के मुद्दे पर लोगों का उसे अहम चुनावी मुद्दा मानना ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस का दांव कहीं ना कहीं लिंगायत वोट को आपसे खींचने में कामयाब होता दिख रहा है। ये एक राजनीतिक स्टंट है, ये जनता समझ चुकी है, खुद सिद्धरामैया कह रहे हैं कि हम इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाए चुनाव में,
हिम्मत है तो बनाए। क्यों डर गए वो? क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल गया इससे बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है उनसे अलग खिसक रहे हैं, अलग जा रहे हैं। इस डर के कारण अभी सिद्धरामैया अपने हाथ को पीछे किए हैं, तो इसलिए लेने की जगह देनी पड़ रही है। डॉक्टर नासिर, इस पर हिंदी में एक कहावत है, मुंह में दही जम जाना। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर आपके तमाम नेता चुप हो गए हैं, मौन हो गए हैं, क्या डर सता रहा है? देखिए, इसमें ये वाला, ये जो लिंगायत वाला इशू है ना, ये कांग्रेस का इशू नहीं है, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ना ही कांग्रेस इसको मुद्दा बनाई है, ना ही कांग्रेस इसको आगे लाई। भाई, अगर लिंगायत समुदाय के लोग अलग अलग टाइम पे चाह रहे थे और अलग अलग टाइम पे अलग अलग सरकारों को अप्रोच कर रहे थे कि वो एक अलग धर्म बनाना चाहते हैं और वो अपने आप को माइनॉरिटी कंसिडर करते हैं, तो इसमें जो भी, या हमारी आज पार्टी है, कल कोई और पार्टी हो सकती है, परसों और कोई पार्टी हो सकती है, कोई भी पार्टी सत्ता में जब स्टेट में रहती है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उस अपील को या उस मेमोरेंडम को या उस पिटीशन को उस यूनियन गवर्नमेंट तक भेजे। वहां पे यूनियन गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्ट्री रहती है वो डिसीशन लेगी कि इसको क्या करना है। मतलब केंद्र ने किया, तो हम लोगों ने सिर्फ केंद्र सरकार तक उसको पहुंचाए हैं, तब उसको मंजूर करना है, मंजूरी देना है या खारिज करना है, वो जीवल जी के पार्टी के ऊपर निर्भर। 2013 में आपकी सरकार, जब आप केंद्र में सरकार में थे तब आपके पास ये निमंत्रण आया था जीवल जी, 2013 में येडियुरप्पा ने भी मांग की थी, उसे ठीक है, उसमें साइन भी की थी, आज भी वो मांगते हैं, तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दाव खेलने के बाद क्यों भाग रहे हैं? लेकिन दाव खेलने का मतलब क्या? भाग कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं, भाग कर रहे हैं उसका जवाब। वो तो अपील आपके पास पड़ी हुई है, आप उसको खारिज कर दीजिए, आप उसको मना कर दीजिए, बीजेपी के ट्रैप में। अगर आप में आप गुजरात में दम रहे तो मना कर दीजिए। कांग्रेस के लीडर्स ने राहुल गांधी जी को जनेऊ पहना दिया कि वे तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, मंदिर मंदिर घुमाया लेकिन वहां सेकुलरिज्म याद नहीं आया, वहां एहसन जाफरी की विधवा से भी मिलने नहीं गए, जिनके पति की जो कांग्रेस के एक्शन की थी मौत हुई। कर्नाटक में सेकुलरिज्म याद आ गया। अब कांग्रेस रियलाइज कर रही है कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बैठ करके हिंदी बेल्ट में जिस तरीके से हंगामा किया है कि कांग्रेस तो हिंदुओं को बांट रही है, कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है। बेसिकली क्या है, कांग्रेस की परेशानी यह है कि जब तीर निकल जाता है उसके बाद वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक में कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उत्तर भारत में भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने वाली पार्टी है। ये गलती कांग्रेस करती है। जैसे मैंने अभी कहा, राहुल गांधी जी गए कर्नाटक में कैंपेन में, अब क्या जरूरत थी आपको पूर्व प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के आप बोले कि जेडीएस तो बीजेपी की बी टीम है। अरे पूरा ऑपोजिशन यूनिटी में आप साथ रखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, कोऑर्डिनेशन हो। मैंने खुद मीटिंग अटेंड करी है सोनिया जी ने जो ओपोजिशन लीडर्स की बोले, और वहां जाके किसी लोकल लीडर ने स्लिप दे दी। आप पढ़ो आलम जी दो 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 सवाल, एक तो लिंगायत के मुद्दे पर भी कि क्या कांग्रेस अब बैकफुट पर चली गई है, इनके पाले में कोट डाल रही है, बॉल डाल रही है। दूसरी बात, ये बड़े नरम दिख रहे हैं मुझे लगता है जीवीएल नरसिम्हा राव की तरह। यही मैं आपको कह रहा हूं, ज्यादा गुस्से में इन कांग्रेस के साथ। सवाल का जवाब तो इनके जवाब से मिल गया, दोनों एक ही तरह की राजनीति करते हैं, वोट बैंक राजनीति। वोट बैंक इधर ना जाए उधर ना जाए उसकी कुश्ती चल रही है। हम तो दोनों के खिलाफ है अंजना जी, हम भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ है। तो वोट नहीं, हम भाजपा के ज्यादा खिलाफ है। हम भाजपा के जो कुशासन है पिछले 4 साल का दिल्ली में, और एक बात और बताएं कर्नाटक में जब येडियुरप्पा और बीजेपी की सरकार थी, जब येडियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स लूट रहे थे कर्नाटक को, कांग्रेस कहीं नहीं थी। कुमार स्वामी की लीडरशिप में, देवेगौड़ा जी की लीडरशिप में नीतीश कुमार अपोजिशन में रह रहे के तंग आ चुके हैं, बीजेपी को थाम लेंगे। देखिए, नीतीश कुमार की तरह से देवेगौड़ा जी, कुमार स्वामी जी खास करके, अब उनको सत्ता की भागीदारी चाहिए। इसीलिए आपके समय में ये ठीक है कि वो दावे जो कर रहे हैं कि यदि ऐसा नंबर मिल जाए कि हमें मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करिए बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी पहले की तरह उस मूड में नहीं है कि किसी और को सत्ता दे दे, चाहे आप गोवा देखें, मणिपुर, जितने राज्यों में जहां भी हुआ है। इसलिए ये कहना अब ये जरूर लगता है, आज आपके सर्वे से ही सामने हो गया
कि अब उनका बड़ा दुश्मन कांग्रेस है, क्योंकि उनको लगता है वोट वही है, उसका वोट वो काट सके और उसके बाद बीजेपी के साथ साझेदारी कर सके, उससे केंद्र में भी अभी जो भी मिल सकता है। इस आरोप को बिल्कुल खारिज जनता दल सेक्युलर किसी भी पोस्ट इलेक्शन बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जनता दल सेक्युलर पोस्ट इलेक्शन बीजेपी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएगा, भले ही अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो दोबारा चुनाव हो, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपने आप में दो तिहाई बहुमत लेके जीतेंगे, तो इसलिए इनके इनके सहयोग की जरूरत असेंबली में चाहिए, लेकिन नंबर्स नहीं चाहिए, किंग और किंग मेकर के दिन दोनों की जरूरत है, किंग और किंग मेकर जो भी बन रहा है, हम तो ये मान रहे हैं कि हमें जेडीएस और बीएसपी अलायंस को मेजोरिटी मिलेगी, हम तो आपकी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 110 सीटें, बिल्कुल जेडीएस और बीएसपी अलायंस को 111 नहीं 115 सीटें मिलेंगी किस राज्य में, और कर्नाटक के अंदर आर कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आपका जो सर्वे है संजय जी मैंने जवाब दिया ठीक है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। दानिश जी बड़ा अच्छा बोलते हैं आप अपनी पार्टी के लिए, इतना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। संजय जी दो बातें, अगर ये त्रिशंकु विधानसभा ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी जिस तरह से कम सीटों के साथ भी सरकार बनाने में तमाम राज्यों में कामयाब रही है, मुझे तो लगता है बाजी इनके हाथ लग जाएगी। नहीं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कर्नाटका विधानसभा का जिसके जो नतीजे हैं वो त्रिशंकु की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें मेरा स्वयं का मानना है कि उसमें बीजेपी सबसे आगे रहेगी, और अगर 10 20 30 सीटें उनके पास कम रह गई, 40 भी कम रह गई, तो जैसा खेल हम दूसरे राज्यों में देख रहे हैं वो कर पाना उनके लिए सिद्धरामैया आसान नहीं है, सिद्धरामैया भी जानते हैं आसान नहीं है, कर्नाटक में देखे और कुमार स्वामी है कर्नाटक में, कर्नाटक सिद्धरामैया कर्नाटक कोई मेघालय संजय जी को बोलने ही नहीं देते, मुझे लगा कि ये कह रहे हैं कि कर्नाटक मेघालय नहीं है, देवेगौड़ा कुमार स्वामी है, हम अपने ये भी तो व्यक्ति है जिनके हाथ पैर आंख कान नाक है, इसमें खास बात क्या है, आंकड़ों की कलाबाजी भी एक ऐसा हुनर है जो आपकी पार्टी के पास है सर, चाहे गोवा हो मेघालय हो कहीं हो, आप उसको आप महारत समझिए ना, आप अंजना जी एक फर्क है, उन राज्यों में हमने पहले कभी सरकार नहीं बनाई, उत्तर हम कर्नाटक में अपने बल पर हमने सरकार अतीत में बनाए, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम दो तिहाई तक जीत सकते हैं, सिद्धरामैया इस बात को जानते हैं, इसलिए दूसरे सीट की तलाश में है, ये सुन लीजिए दानिश जी, सिद्धरामैया मान चुके हैं और सिद्धरामैया जी के ही फॉलोवर, सिद्धरामैया जी के फॉलोवर इंडिपेंडेंट एमएलए थे जिनके समर्थक गए 110 अपने बल पर जीते, येदुरप्पा पे इतनी बात करी, एक सवाल इनका ले ले सकते हैं, एक सेकंड, भ्रष्टाचार के आरोप सिद्धरामैया खुद मान चुके हैं, दिखा दीजिए सर मोबाइल पे क्या बहुत देर से, सिद्धरामैया अपने सीट से भी जीत नहीं सकते हैं, इसलिए दूसरे सीट में भाग रहे हैं ठीक है ना, ये अपने जात वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन उससे पहले जरा दिखा देते हैं ये वाला सवाल सुन लीजिए, बीजेपी के डर से येदुरप्पा पे सर जेडीएस के डर से भाग रहे हैं सिद्धरामैया, आपको सिद्धरामैया साउथ कर येदुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप का असर चुनाव पर पड़ेगा, हां कहने वाले 40-30% है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, येदुरप्पा पर लगे भ्रष्टाचार का जो आरोप है उसका असर चुनाव पर पड़ेगा, ये 40-30% लोग मान रहे हैं। देखिए अंजना जी, जब वो जब लोगों का रुझान रिस्पॉन्सेस होते हैं उनके पॉलिटिकल अफिलिएशन के साथ जुड़ा रहता है, तो इसलिए इसमें कोई तथ्य की बात नहीं है, हमें 50% तो वोट मिलना नहीं है उत्तर कर्नाटक में, हम 35-40% वोट पर बहुमत जीतेंगे, 35% पर 40% पर हम 140 सीट लाएंगे, तो बाकी लोग जो दूसरा सवाल हमने कांग्रेस पार्टी के लिए पूछा है वो आपको दिखा देते हैं, 5 साल के कांग्रेस राज में क्या भ्रष्टाचार घटा है, 22% कह रहे हैं घटा है, 31% कहते हैं बदलाव नहीं है, 48% लोग कह रहे हैं डॉक्टर नासिर जी अब सवाल पूछ रहे थे यही जवाब है उसका, 48% 48% कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। अंजना जी देखिए कोई भी सवाल आप सवाल कैसा फ्रेम करते हैं उसके ऊपर बहुत सारा निर्भर कहता है, मैं तो बार बार जब करप्शन की बात आती है कर्नाटक में यही कहता हूँ, आपके पास दो साफ मॉडल है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है येदुरप्पा जो जेल जा चुके हैं करप्शन के आरोप में, और उनकी पूरी सरकार 5 साल 2008 से 2013 तक करप्शन में एकदम घिरी हुई थी चारों तरफ से, और एक सरकार ऐसी है जिस एक चीफ मिनिस्टर ऐसा है जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, कोई स्कैम नहीं,
कोई कोई भी चीज में बिना जेल नहीं गया। सीबीआई अगर मानना चाह रहे हैं कि येडियुरप्पा जो है एक संत थे, वो करप्शन में नहीं किए थे, ऐसे ही उनकी ही वो उनकी ही सरकार के टाइम पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल गए थे, तो अब मैं इससे ज्यादा हर विषय बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन आप एटीएम बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए राहुल गांधी के भी चुनाव की बात कर रहे हैं। तीनों ही पार्टियों में आप देखिए, आप येदियुरप्पा का नाम ले लीजिए, आप जेडीएस में नाम ले लीजिए कुमारस्वामी का, कई सारे आरोप उन पर भी लगे हैं। सर सब दूध के दूल्हे नहीं है, मतलब कर्नाटक में भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, ये तीनों ही पार्टी के चेहरे के साथ। देखिए सर्वे के आंकड़ों के साथ अगर जाए तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। अगर येदियुरप्पा की बात करते हैं तो सीधे सीधे 40% लोग कहते हैं कि उन पर कुछ ना कुछ आरोप लगा रहे हैं। सरकार के कामकाज पे देखें उस पर भी बड़ी संख्या में लोग कहते हैं सरकार में भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है, बहुत साफ निकल के आ रहा है। देखिए मुझे लगता है इसमें देखिए आप ये ध्यान दीजिए, सीतारमैया पर भी भ्रष्टाचार का, लेकिन दलितों के लिए काम किया, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, गरीबों के लिए जिस तरह मुफ्त में अनाज चावल बांट दिया, दूध के लिए सब्सिडी दे दी, इस तरह की योजनाओं से जो फायदा मिलेगा, जो दलित मुख्यमंत्री बन रहा था किसी भी प्रेसिडेंट उसको हरवाया कृपा वोट ट्रांसफर करके। लेकिन भ्रष्टाचार सीतारमैया ने कांग्रेस हाईकमान को जो है उल्टा भेजा कि परमेश्वर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, एक दलित को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना था उसको नहीं बनाया डिप्टी चीफ मिनिस्टर। देखिए गरीब को चीफ मिनिस्टर बनाने दे रहा है कौन? लिंगायत के एक व्यक्ति येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने से रोक रहा है, ये किस तरफ बढ़ रही है पूरी परिभाषा और दिशा चुनाव के, वो आप समझ रहे होंगे इससे। लेकिन जो अगला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा इमोशनल मुद्दा है ये कर्नाटक के लिए, कावेरी का मुद्दा, उस पर भी हमने सवाल पूछा कि कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को फायदा होगा। 49% हां कह रहे हैं, जबकि नहीं कहने वाले 34% लोग हैं। एक रिएक्शन जल्दी से इस पर नरसिम्हा राव साहब। अब देखिए कावेरी दो राज्यों के बीच में एक बड़ा बहुत समय से एक तनाव का मुद्दा रहा है, बट लेकिन राष्ट्रीय दल होने के नाते सबके साथ न्याय हो यही रुख है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है उसको केंद्र सरकार इंप्लीमेंट करेगी, बट लेकिन इसमें किसी राज्य के साथ भेदभाव करना, किसी राज्य को आगे बढ़ाना, प्रधानमंत्री को सीधे इस पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है दक्षिण भारत। देखिए राजनीतिक दल, प्रांतीय क्षेत्रीय दल अपनी राजनीति चमकाने के लगे हुए हैं, बट लेकिन केंद्र की जो रुख है सभी के साथ न्याय हो। सारे हमारे भाई है, तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, तो किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता है। केवल राजनीति करते कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक की जनता, खासतौर से कावेरी बेसिन की जनता को चीट किया है दोनों नेशनल पार्टीज ने, और उसका जो सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं, तमिलनाडु क्योंकि 40+1 लोकसभा के मेंबर भेजता है, तो एट वन पॉइंट और अनदर पॉइंट ऑफ टाइम डीएमके और एडीएमके के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसका साथ रहा है, और वो वहां की तमिलनाडु की पार्टी जो है डिक्टेट करती रही है केंद्र सरकार को। इसलिए जितने डैम्स और जितना कावेरी को पर इन्वेस्टमेंट हुआ कर्नाटक में, वो उस कर्नाटक में बेंगलोर में पानी पीने के लिए नहीं है। जल्दी से देखिए ये जिस तरह का रिस्पांस लोगों से इस इश्यू पे आया है, इसमें एकदम साफ जाहिर होता है कि लोगों को बिल्कुल पता है, लोग समझ चुके हैं कि कर्नाटक से जो बीजेपी के सांसद चुन के गए थे दिल्ली में, उनका क्या रोल रहा है। जब सिद्धरामैया जी बार बार नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे थे, बार बार अपील कर रहे थे एक मीटिंग को, कावेरी इश्यू पे एक अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला, एक सीएम को, एक स्टेट के सीएम को अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला। बार बार यहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसमें बीजेपी के सारे सांसद इंक्लूडिंग येदियुरप्पा जो प्रॉमिस किए थे, आश्वासन दिए थे मुख्यमंत्री जी को कि जाके वो दबाव बनाएंगे केंद्रीय सरकार पे कि कावेरी के मसले को जल्द से जल्द हल करने के लिए, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ पे
परसेंट बैंगलोर में देके दिल्ली में जाके कुछ नहीं किया, ये सारा चीज ठीक है सर। और इसका फायदा कर्नाटक की जनता जानती है, रोकना पड़ेगा, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। लेकिन मेरे पिटारे में सबसे जबरदस्त आंकड़ा वो है जिसके साथ में इस बुलेटिन का अंत करूंगी, आप में से कोई गेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने सर्वे में यह भी पूछा कि अगर त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थिति बनती है तो जेडीएस को किसका साथ देना चाहिए। यह सवाल जब हमने लोगों से पूछा तो 39% कह रहे थे कांग्रेस का, जो कि दानिश अली के मूड के विपरीत दिखाई देता है, और 29% वोट लोग कह रहे थे कि बीजेपी का साथ देना चाहिए, किसी का साथ नहीं देना चाहिए ये कहने वाले 12% थे। नहीं, मैं रिएक्शन नहीं लूंगी आपसे, क्योंकि कहां पत्ते खोलने वाले आप पत्ते खोलने वाले नहीं है, लेकिन आपकी बातों से संकेत हम लोगों को मिल गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस ओपिनियन पोल में, जो कि देश का सबसे विश्वसनीय और बड़ा सर्वे है, साफ निकलना कर आया है कि कर्नाटक में किसी एक पार्टी की नहीं बन रही है सरकार, त्रिशंकु विधानसभा, लेकिन जेडीएस बन सकती है किंग मेकर, कांग्रेस सबसे आगे लेकिन बहुत करीब नंबर 2 पर बीजेपी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।